हिमाचल प्रदेश सरकार के जारी SOP के मुताबिक मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए हैं और सरकार के द्वारा जब तक नए आदेश जारी नहीं होते तब तक ये मंदिर बंद रहेंगे। गत रात्रि माता जी के शयन आरती के बाद मुख्य द्वार बंद कर दिया गया और सुबह की आरती के बाद भी अब द्वार पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए। हालांकि कुछ श्रद्धालु मंदिर में पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह नैना देवी मंदिर बंद होने के कारण बाजारों में भी पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि यहां का सारा कारोबार श्रद्धालुओं पर निर्भर करता है और अगर श्रद्धालु नहीं आएंगे तो बाजार बंद रहेंगे। हालांकि माता श्री नैना देवी के कपाट श्रद्धालुओं व आम जनता के लिए सरकार के आगामी आदेशों तक बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल ये निर्देश 1 मई तक जारी रहेंगे, उसके बाद सरकार फैसला लेगी कि मंदिर खुलेंगे या बंद रहेंगे। मंदिर अधिकारी हुसैन चंद ने बताया कि आगामी आदेशों तक मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। 23 तारीख से आगामी आदेशों तक जो है आम जनता के दर्शनों के लिए बंद रहेंगे। तो मेरी आपसे और आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये समस्त लोगों से अपील रहेगी कि घर पे बैठ के ही हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं टाटा स्काई, इसके माध्यम से माता के लाइव दर्शनों का आनंद लीजिए। क्योंकि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनको जो है दर्शनों के लिए जो है फिलहाल, क्योंकि मंदिर बंद रखने का निश्चय लिया गया, तो यहाँ पे वो दर्शन नहीं कर पाएंगे। जो सरकार के दिशा निर्देश आए हैं उसके अनुसार 23 तारीख से मंदिर जो हैं वो बाहरी लोगों के लिए बंद रहेंगे। सिर्फ जो रीति रिवाज की जो पूजा अर्चना है, आरती है, वो मंदिर के अंदर चलेगी, लेकिन बाकी पब्लिक के लिए मंदिर बंद रहेंगे। तो मेरा आग्रह है अगले आगामी आदेशों तक श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो अपने घर में बैठकर ही पूजा पाठ करें और जब अगले आदेश आएंगे मंदिर खोलने तब तक का इंतजार करें और पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।